महाराजा हरि सिंह के वो फैसले जो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले किए। जाने कौन कौन से वो फैसले। ये तो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के आखिरी राजा हरि सिंह 23 सितंबर 1925 को अपने चाचा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। हालांकि उस दौर में हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था, लिहाजा उनका वो ताज कांटों भरा ताज साबित हुआ। इसके बाद सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान की ओर से आने वाले घुसपैठियों ने उनकी नाक में दम कर दिया था। लेकिन शायद ही आपको ये पता होगा कि हरि सिंह अपनी मौत से पहले रियासत की जनता के लिए कुछ ऐसे फैसले ले गए थे जो आज भी यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। दरअसल फर्राटे से कश्मीरी और अंग्रेजी बोलने वाले महाराजा को रियासत में कई समाज सुधार और बेहतर कामों के लिए भी याद किया जाता है। हालांकि उनकी तड़क भड़क वाली खर्चीली जीवन शैली भी चर्चा में रही। आइए आपको बताते हैं हरि सिंह के वो काम जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए लिए। जब वो महाराजा बने तब कश्मीर में आमतौर पर वहां की लड़कियों और महिलाओं का अपहरण करके कोलकाता और चेन्नई ले जाया जाता था, वहां उन्हें बेच दिया जाता था। महाराजा ने इसके खिलाफ न केवल कड़े कानून बनाए बल्कि अंग्रेज सरकार की भी मदद ली कि ऐसा नहीं हो पाए। ऐसा करने वालों की सजा कश्मीर में 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। कश्मीर में प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी गई। ये शिक्षा सभी के लिए निशुल्क थी। साथ ही बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों से बेगार और बंधुआ मजदूरी प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। साथ ही वैश्यावृत्ति को भी खत्म कर दिया गया। 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की स्थापना हुई तो 1941 में श्रीनगर एम्पोरियम के, 1945 में श्रीनगर में MMHS हॉस्पिटल की स्थापना की गई ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिले। 1934 में महाराजा हरि सिंह ने प्रजा सभा की स्थापना की जिसमें 75 सदस्य थे। इसमें 12 सरकार के अधिकारी होते थे तो 16 राज्य के काउंसलर्स और 14 लोगों को इसके लिए राजा के जरिए नामांकित किया जाता था, जबकि 33 लोग चुनकर यहां आते थे। इनमें 21 मुस्लिम, 10 हिंदू और 2 सिख होते थे। जम्मू कश्मीर में कृषि राहत कानून बनाया गया जिसमें साहूकारों और किसानों को ब्याज पर पैसा देने वालों की ज्यादती से किसानों को न्यायिक आधार पर राहत दी गई। साथ ही कृषि भूमि को ट्रांसफर करके गैर कृषि कार्यों में उसके उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई। 1931 में अछूतों के लिए सभी स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के दरवाजे खोले गए। ऐसा नहीं करना अपराध माना गया। इतना ही नहीं, महाराजा हरि सिंह ने गांव को अधिकार संपन्न करने के लिए पंचायत प्रणाली शुरू की ताकि गांव स्थानीय स्तर पर अपनी न केवल समस्याओं और आपसी विवादों का निपटारा कर सके बल्कि सरकार से पंचायत के जरिए विकास के काम भी कराए जा सके। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।